नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की बेल के बारे में। जैसा कि आपको पता है, राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने रेगुलर बेल के लिए जो है वो अप्लाई किया था और 14 जून जो है वो निश्चित की गई थी बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई के लिए। परंतु अरविंद केजरीवाल ने सुनवाई से पहले एक आवेदन पत्र देकर अपनी दो मांगे रखी और उन्होंने जो है वो जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसके सामने अपनी जो है मांगे रखी और कहा ये सारी चीजें जो है वो पूरी की जाए, वो बहुत जरूरी है उनकी हेल्थ कंडीशन के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए। तो इन सारी चीजों में जो सबसे पहली जो उनकी मांग थी वो ये थी कि सुनीता केजरीवाल को अनुमति दी जाए कि जब अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच हो तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो उपस्थित रहे, वो सारी चीजों को जो है वो ध्यान से देखे किस तरह से उनकी जो है जांच की जा रही है और किस तरह से उनका जो है पूरी तरह से जो है जांच की गई है। तो इन सारी चीजों के ऊपर जो है सुनीता केजरीवाल जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब जब उनकी स्वास्थ्य की जाँच हो तो वो उस पर जो है उपस्थित रहे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने दूसरी मांग की है कि जब बोर्ड के सामने उन्हें जो है लेके जाया जाए तो बोर्ड जो है उनके इनपुट को भी सुने और उनकी जो बातें हैं अपने हेल्थ से संबंधित वो जो बात कहना चाहते हैं वो पूरी जो है बोर्ड सुने ताकि उनको जो है राहत मिले और उनको जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट दिया जाए। तो ये दो कंडीशन जो है वो अरविंद केजरीवाल ने जो है अदालत के सामने रखी और उनका कहना था ये दो मांगे जो है वो उनके आवेदन जो है वो स्वीकार किए जाए। और इसके ऊपर ईडी के जो वकील थे एसबी राजू, उन्होंने कड़ी आपत्ति की और उन्होंने इसके लिए जो है जवाब देने के लिए अदालत से कुछ टाइम मांगा और उनका कहना था कि इस पर जो है सुनवाई के लिए कुछ टाइम दिया जाए और इस पर उनकी कड़ी जो है आपत्ति थी। और उन्होंने कहा कि कहते ये जो एकदम से जो है दाखिल की गई है मांगे तो इसके लिए जो इसको लेके जो है मुझे जवाब देना है और मुझे जो है वो कुछ टाइम दिया जाए। और उन्होंने कहा कि याचिका पर सुनवाई के लिए वो 27 और 28 तारीख को जो है उपलब्ध नहीं है, उनके कहीं इंगेजमेंट है, वो कहीं गए जा रहे हैं, तो 27 और 28 को जो है वो ना सुना जाए और 25 जून तक जो है इसको स्थगित रखा जाए क्योंकि जो हेल्थ बोर्ड का जो बनना था वो शायद अभी नहीं बना है। तो ये सारी चीजें जो है वो एसबी राजू के द्वारा जो है न्यायालय में कही गई और ईडी ने कोर्ट में जो है वो ईडी के जो जो जवाब था उस पर कोर्ट ने जो है वो अपना जवाब देते हुए कहा कि जो अरविंद केजरीवाल है वो इस समय न्यायिक हिरासत में है, वो किसी एजेंसी की जो है हिरासत में नहीं है और ऐसे में आपको कोई भी जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। और वह तिहाड़ जेल से जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मेडिकल जांच से संबंधित अनुरोध पर जो है आपत्ति नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो मेडिकल जांच होनी है उसमें किसी भी तरह का कोई अवरोध या किसी भी तरह की कोई जांच को किसी भी तरह से नहीं रोका जा सकता क्योंकि इसका ये ह्यूमन राइट है और उसको जो है संविधान के हिसाब से जो है उसे अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने स्वास्थ्य की अच्छे से अच्छी जो है जाँच करवा सकता है। तो ऐसे में उसको जो है रोका नहीं जा सकता। और इसके साथ ही साथ जो कोर्ट था, कोर्ट का कहना है कि वो अभी जो है न्यायिक हिरासत में है और ऐसे में एजेंसी के जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है और मेडिकल जांच से संबंधित अनुरोध पर आपत्ति जो है वो नहीं कर सकते, ये चीज उन्होंने क्लियर कर दी। और कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि जमानत याचिका पर किस दिन सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट का कहना था क्योंकि ये लंबा चौड़ा मैटर है और इस पे सुनवाई तब होनी चाहिए जब एक जज जो है लगातार दो दिन बैठे, उसी के सामने सारी चीजें जो है सुनवाई की जाए ताकि उसकी नॉलेज में सारा मैटर जाए। तो इसलिए ऐसी जो है डेट निर्धारित की जाए और इन सारी चीजों के ऊपर जो है कोर्ट जो है वो चर्चा कर रहा है और इन सारी चीजों को लेके भी कि किस दिन जो है वो सुनवाई की जानी चाहिए। और ये भी है कि एक ही जज हो जो दो दिन लगातार बैठे और वो इन सारी चीजों के ऊपर जो है सुनवाई करे क्योंकि मामले पर बहस करने में कम से कम जो है वो दो दिन लगेंगे। और कोर्ट इस बात पर जो है चर्चा कर रहा है कि मामला किस तारीख को जो है वो सुना जाए और अर्जी पर सुनवाई जो है 15 जून को होगी, ऐसा जो है कोर्ट ने कहा।
और ये भी कहा ईडी को डांटते हुए कि आपको पता भी है कि जो बोर्ड था, हेल्थ बोर्ड जो बनाना था वो बनाया जा चुका है या नहीं, इन सारी चीजों के बारे में आपको अभी फिलहाल कोई नॉलेज भी नहीं है, जिसका जो आप है ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। और फिलहाल अर्जी पर सुनवाई जो है 15 जून को होगी। और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल को जो है रेगुलर बेल से संबंधित किसी भी तरह की आज कोई राहत, यानी कि 14 जून को कोई भी राहत जो है वो नहीं मिली है। और 14 जून को हुई सुनवाई में केजरीवाल को जो है जैसी उम्मीद थी कि उनको जो है अंतरिम जमानत मिल जाएगी, परंतु वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर जो है फुलफिल होती नहीं दिखाई दे रही है, और ना ही अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की कोई जो है राहत मिली है। और जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई को 5 दिनों के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया है, और 5 दिन के बाद में जो है जमानत याचिका यानी कि 19 जून को जो है जमानत याचिका की जो है सुनवाई की जाएगी। उसके बाद में ये फैसला आएगा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाएगी या जमानत नहीं दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो है वो उनके हेल्थ चेकअप के लिए भी जो है अदालत काफी तरह से सीरियस है, और उसके हेल्थ चेकअप के लिए जो है वो प्रबंध कर रही है। अब देखना होगा क्या दो कंडीशन जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो है आवेदन के द्वारा फाइल की है, वो कंडीशंस जो है अरविंद केजरीवाल की मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी, क्या ये सारी चीजें जो है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में इसका रीजन आएगा, क्या अरविंद केजरीवाल को जो है वो बेल मिल सकती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में जो है चार्जेस जो है चार्जशीट जो है वो फ्रेम की जा चुकी है। तो ऐसे में अब ये भी हो सकता है कि पुलिस एक्शन ले और उन्हें अरेस्ट कर ले, और हो सकता है कि किसी ग्राउंड पर जो है उनके एडवोकेट जो है वो उन्हें सेव करने में जो है वो भी सफल हो जाए। तो आप हमारे वीडियो के साथ में आप बने रहिए, हम ऐसे ही वीडियो आपके साथ में लाते रहेंगे, और अरविंद केजरीवाल की बेल के बारे में जो है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लोअर कोर्ट यानी कि राउज अवेन्यू कोर्ट, जहाँ पर जिसे ट्रायल कोर्ट बोला जाता है, उसमें अरविंद केजरीवाल का जो है केस चल रहा है, और ऐसे में उन सफाई की व्यवस्था जो है वो भी उन्हें जो है वो करनी होगी। अब देखना होगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो है अब नया पैंतरा वो है चलते हैं, किस तरह से वो अदालत के सामने जो है अपने जो विषय को वो लेकर आते हैं, और कितना वो प्रभावित कर पाते हैं जजों को अपने लिए जमानत लेने के लिए। तो ऐसी वीडियो हम आपके साथ में लेके आते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए।